शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें जल्द से जल्द यशी को किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से दिखा लेना चाहिए। पापा उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। बेरुपिया है तू, तेरे मन में कुछ और तेरी जुबान पे कुछ रहता है। चक्कर चलाना चाहती है ना तू अदिति के साथ। यही संस्कार दिए आपने अपने बेटे को कि किसी लड़की को बिन ब्याही मां बनाकर रिश्ते से इनकार कर देना। आपको पता है आपके बेटे की वजह से रिश्ता घर छोड़ के चली गई थी। रात भर ढूंढने के बाद मिली है वो हमें, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को उसका अधिकार दिलाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। ऋचा की कोख में गर्व खानदान का अंश है, इसलिए आज से वो इसी घर में रही। हम भी इनकी बात से सहमत हैं। ऋचा को अब से इसी घर में रहना चाहिए, ये उसका हक है। तुम्हें ऋचा की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। किसी लड़की को मां बनाना मजाक नहीं है। होना चाहिए, बिहारी जी की बहुत कृपा है आप पर, क्योंकि आपकी बहू अंजलि इस घर को कभी वारिस नहीं दे सकती, क्योंकि ऋचा की कोख में उन्होंने इस खानदान का अंश डाल दिया है। अलका भाभी, और शोर मत मचाइए, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आज से इस घर में हम सब रेचा का और उसकी कोख में पल रहे यश के अंश का पूरा ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ख्वाबों की
आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है और ये रहा FIR की कॉपी। हाँ, किया मैंने गुनाह, मार दिया मैंने उस आदमी को। यश, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तेरा और आदित्य का क्या रिश्ता है? चक्कर चलाना चाहती है ना तू आदित्य के साथ? तुम सब मिलके मुझे पागल बनाना चाहते हो ना? हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सब धोखेबाजों को, छोड़ूंगा नहीं। यश जी को हमारी जरूरत है, हिम्मत से काम लेना होगा। तुम लोग आज शाम को सही समय पर यहां पहुंच जाना। यश गर्भ की इज्जत का पंचनामा सही मुहूर्त पर होना चाहिए। बताओ यश, क्या तुम्हें इस बात की जरा सी भी खुशी नहीं है कि तुम बाप बनने वाले हो? देखा तुमने, हम दोनों अलग हो गए थे लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि हम अलग हो, इसलिए उन्होंने इस बच्चे के जरिए हमें फिर से साथ ला खड़ा किया। अपने होने वाले बच्चे को महसूस करो यश। हम कभी मां नहीं बन पाएंगे। मुश्किल घड़ी में जब एक पत्नी को सबसे ज्यादा अपने पति के सहारे की जरूरत होती है, उसके प्यार की दो बोल की जरूरत होती है, गोपाल ऐसे में यश जी भी हमारे साथ होने के बजाय चाचा के साथ। इस दर्द को सहने के लिए अपने अकेला छोड़ दिया गोपाल। कुंडली मिलन
ये तो आपने सीधा मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर दिया यश। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने अपने दुश्मन सुबोध की बेटी को इस घर में रखने के लिए सपोर्ट क्यों किया? इसीलिए ताकि रिचा को हथियार बनाकर दोनों घरों को बर्बाद कर सके। जरा सोच के देखो आदित्य, इस घर में एक यश की पत्नी है और दूसरी उसके होने वाले बच्चे की माँ। दोनों के बीच में जहर घोलने में बड़ा मजा आएगा। यो भाई, अरे सुना है गोवा में किसी को मार वार के भागा हो? हैं? ये बहुत गलत किया है तूने। माँ बाप का नाम खूब मिट्टी में मिला दिए। आवारा गर्दी करते रहे आजकल के लौंडे। अरे काली फोटो इसके चेहरे पे, तभी इसके घर ठिकाने आएगी। अरे, नहीं भैया, खोल 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 खोल। कोई गुनाह नहीं किया है हमारी यश जी ने, किसी को नहीं मारा है उन्होंने, कुछ भी साबित नहीं हुआ है अभी। साबित नहीं हुआ है? तुम्हारा तो पति है, तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा। बिल्कुल हाँ है, और आप लोग कौन है? पुलिस है, जज है, फैसला करने आए, कौन है आप लोग? अगर वो गुनहगार साबित होंगे तो हम खुद कानून के सामने जाके आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन तब तक आप लोगों में से किसी को भी अधिकार नहीं है कि उनके साथ ऐसा सलूक करें। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप लोग अपने घर चले जाइए। चलो चलिए चलिए जी। यह जी आइए, कोई बात नहीं, चलिए। मिस्टर गर्ग बताइए, आप खूनी है, आप कातिल है, आपने उस आदमी को मार डाला, कुछ तो बताइए। पहिया समय का देखे ग्रहों की ये चाल जी, होगा वही जो चाहे लड्डू गोपाल जी, पूर्ण होगी कामना या लगेगा ग्रहण, पूछते हैं रातों से ये जागते नयन। कुंडली मिलन, कुंडली मिलन, कुंडली मिलन, कुंडली मिलन। देखिए किस तरह से मिस्टर गर्ग एक खून दर के भागे हैं, किसी मासूम की हत्या की है इन्होंने, अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर भागे हैं और हमारे किसी भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया है। पापा, सच में मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। एक्सीडेंट हो भी गया था तो उस आदमी को मौत के मुंह में छोड़कर क्यों भागा तू? पापा चुप, कितना गर्व था मुझे तुझ पर,
कि लंदन से पढ़कर आया है मेरा बेटा, फिर भी अपने संस्कार नहीं भूला। एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन तूने तो हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। आप समझ नहीं रहे, यश जी की हालत ठीक नहीं है। आप प्लीज उनसे नाराज मत होइए, प्लीज उन्हें गुनहगार मत ठहराइए। हम कह रहे हैं ना, हम वही थे उनके साथ, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने लोगों की गवाही से और सीसीटीवी फुटेज से साफ साफ साबित हुआ है कि एक्सीडेंट के बाद ये वहां से भाग निकला, और यहाँ तक कि बंगलो आने के बाद बिल चुकाए बिना ये पीछे के रास्ते से गोवा से भी भाग निकला। सवाल ये उठता है कि अगर इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो ये वहां से भागे क्यों? गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आप लोगों के साथ। मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? मेरी गाड़ी से वो टकराया तक नहीं था। अरे छोड़िए मुझे पापा, मैंने सच में कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मुझे इनसे 2 मिनट अकेले में बात करनी है। अंजलि, 1 मिनट के लिए ऊपर आओ प्लीज। सुनो अंजलि, मैं इंस्पेक्टर से कहकर यश की गिरफ्तारी रुकवा सकता हूं, और यश को इस केस से हमेशा के लिए उसे छुटकारा भी दिलवा सकता हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। हम यश जी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताओ क्या करना होगा। तुम्हें यश को डिवोर्स देना होगा। और ये रहे डिवोर्स पेपर्स। टाइम कम है तुम्हारे पास। इतना सोचोगी तो कैसे काम चलेगा अंजलि? जल्दी से साइन करो, क्योंकि इसके बाद इंस्पेक्टर को मैं भी नहीं समझा सकता। यश की दिमागी हालत तो तुम्हें अच्छी तरह पता है, कितनी खराब है। और अगर एक बार वो जेल चला गया तो उसका क्या होगा? नहीं नहीं, एक साइन की बात है, लो कर दो। एक साइन या फिर
मेरे जीते जी अब ये दोनों नाम कभी एक नहीं हो सकते। नहीं मानेगा कि इस आदमी का एक्सीडेंट तुम्हारी गाड़ी से नहीं हुआ। अंजलि, यश को लेकर जाओ। कुछ मत करो, लेकर जाओ यश को यहाँ से। लेकिन ये आदमी, मैं उसे हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। तुम लोग निकलो यहाँ से। तुम कितने घटिया हो सकते हो, तुमने दिखा दिया हमें पाने की जिद में। तुमने यश जी के साथ इतनी घिनौनी साजिश की थी। यश से मैं तुझे अलग करके रहूंगी अंजलि। यश और अंजलि को अलग करने की बात अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यश अंजलि एक है और हमेशा एक ही रहेंगे। अगर हम दोनों साथ मिलकर लड़े तो ये जंग जरूर जीत जाएंगे। मैं अपने यश को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।